चलिए फ्रेंड्स, ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे यहाँ ये जो क्वेश्चन पेपर है हम सॉल्व कर रहे हैं, जुलाई 2023 में जो क्वेश्चन पूछा गया था, जुलाई 2023 CMA फाइनल SFM का, उसका क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूँ जो न्यू सिलेबस का है। मेरा फ़ोन नंबर है, मेरी नंबर है 9312606737, 9312606737। आप प्लीज़ ये नंबर सेव कीजिए और मुझे व्हाट्सअप करेंगे तो PDF मैं आपको सेंड कर दूंगा इस क्वेश्चंस का, और मज़ा से आप क्वेश्चन आप लोग देखिएगा और इसको सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। मुझे क्या भेजनी है, आप नेम लिखनी है और CMA फाइनल आपको जुलाई 2023 सॉल्यूशन आप देखिएगा, न्यू सिलेबस के हैं तो न्यू सिलेबस आप लिख कर भेजेंगे, ठीक है। ओके, इस क्वेश्चन को देखते हैं, प्लीज़ इस क्वेश्चन को देखिए। मिस्टर जेटसन इज इंटरेस्टिंग इन परचेजिंग द इक्विटी शेयर ऑफ रोटेक्स लिमिटेड व्हिच इज करेंटली सेलिंग ₹600। अभी की सेलिंग प्राइस 600। ही एक्सपेक्ट दैट द प्राइस ऑफ शेयर मे गो अप बाई 780 एंड मो मे गो डाउन 480 इन 3 मंथ्स। द चांसेज ऑफ द ऑकरिंग सच वेरियंस इज 60%। आपकी चांस है कि 0.60 हो जाए और 0.40 चांसेस 0.40 हो जाए, ऐसी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दिया हुआ है। और कॉल ऑप्शन ऑन द शेयर ऑफ द रोटेक्स लिमिटेड इज कैन बी एक्सरसाइज द 3 मंथ विद ₹630। तो व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन, आई एम गोइंग टू समराइज द थिंग्स हियर। दिस इज योर करेंट प्राइस ऑफ द रोटेक्स लिमिटेड इज गिवन हियर, करेंट प्राइस इज ₹600। After 3 month, the exercise price 630. 630. 630. Look at it. After 6 month exercise price ₹630, the market price is going to be ₹780 and ₹480. The chances of buying, this is 0.6 and this is 0.4. Now what will be the value of call? Value of call is just the difference of this higher and lower, the difference of the 780 minus 130, this is 650, this is 650 and this is a negative, that's why this is become zero। ये कॉल ऑप्शन बताया जाता है, जितना हायर वैल्यू होता है एक्सरसाइज प्राइस से वो डिफरेंस लिया जाता है, अगर लोअर वैल्यू एक्सरसाइज प्राइस से उसको जीरो हो जाता है वैल्यू, ठीक है। और इनकी चांसेस है जो 780 आने का 0.60 और 0.40। अब क्वेश्चन को देखते हैं। डिटरमाइन द कॉम्बिनेशन ऑफ शेयर एंड पोजीशन शुड बी जेंसटेक लिमिटेड परफेक्ट हेज। तो परफेक्ट हेज के लिए मैंने एक फॉर्मूला बताया था, अब वो फॉर्मूला था क्या बताया था, परफेक्ट हेज के लिए डिफरेंस ऑफ ऑप्शन वैल्यू एट हाई एंड लो प्राइस डिवाइडेड बाई डिफरेंस ऑफ हाई एंड लो मार्केट प्राइस, हाई एंड लो मार्केट प्राइस इंटू नंबर ऑफ स्टॉक, नंबर ऑफ स्टॉक। तो हेयर नंबर ऑफ स्टॉक के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो हम मान लेंगे 1। अब देखिएगा, एक्सरसाइज प्राइस हमारे पास 630 है, एक्सरसाइज प्राइस हमारे पास कितनी है 630 है और फर्स्ट केस में मार्केट प्राइस 780 है, तो वैल्यू ऑफ कॉल क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ कॉल एक फॉर्मूला होता है मैक्सिमम ऑफ मार्केट प्राइस माइनस एक्सरसाइज प्राइस कॉमा जीरो। तो मैक्सिमम ऑफ मार्केट प्राइस हमारे पास 780 है, 630 है कॉमा जीरो, दैट इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ 150 कॉमा जीरो, दिस इज द 150, ये आपका 780 के केस में। अगर ये प्राइस 480 होता तो
तो मैक्सिमम ऑफ यहाँ पे 480 माइनस 630 कॉमा जीरो, तो उस केस में क्या हो जाता है, मैक्सिमम ऑफ वो नेगेटिव जीरो क्यों लिया जाता है उसकी लॉजिक मैं बता रहा हूँ। 480 माइनस 630 ये माइनस 150 हो जाएगा, और 150 माइनस में और जीरो में कौन बड़ा है, 150 माइनस में और जीरो में कौन बड़ा है वो आइडेंटिफाई करने का क्या तरीका भाई, भाई जीरो बड़ा है। तो आपको मैंने यहाँ पे कहा कि यहाँ पे जीरो होगा, कैसे होगा उसका रीजन मैंने बताया, यहाँ पे 780 131 650 लिखा है, नहीं 150 होगा उसका रीजन मैंने बताया। अब आपको फर्स्ट पार्ट का जो आंसर्स है उसकी आंसर दिया जा सकता है, फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या पूछा है, परफेक्ट हेज, परफेक्ट हेज। तो आपका सबसे पहले आपका होता है उसको कहते हैं हेज रेशियो, हेज रेशियो, हेज रेशियो का मतलब डिफरेंस ऑफ, डिफरेंस ऑफ ऑप्शन वैल्यू, ऑप्शन वैल्यू एट हाई एंड लो मार्केट प्राइस, डिफरेंस ऑफ ऑप्शन वैल्यू, डिफरेंस ऑफ हाई एंड लो मार्केट प्राइस, हाई एंड लो मार्केट प्राइस इनटू वन। अब देखिए यहाँ पे, यहाँ पे जो वैल्यू जाए वो देखिएगा, वैल्यू ये ऑप्शन का है 150 और जीरो, ये वैल्यू है ऑप्शन का 150 माइनस जीरो, व्हाट इज द डिफरेंस, 780 हाई मार्केट प्राइस है, 480 लो मार्केट प्राइस है, तो 150 और यहाँ पे 300 0.5, ये 0.5 क्या रिप्रेजेंट करता है, ये 0.5 रिप्रेजेंट करता है अगर कोई राइटर, राइटर अगर कोई राइटर एक शेयर राइट करता है तो उसको 0.5 शेयर आज उसको परचेज करना पड़ेगा फॉर परफेक्ट हेज, परफेक्ट हेज, परफेक्ट हेज। हेयर हेज रेशियो 0.5 रिप्रेजेंट्स राइटर ऑफ कॉल हैव टू बाई 0.5 स्टॉक फॉर राइटिंग वन कॉल ऑप्शन 0.5 स्टॉक फॉर राइटिंग वन कॉल ऑप्शन फॉर, इट इज फॉर परफेक्ट हेज। और कैसे परफेक्ट हो जाता है इस क्वेश्चन में आपको मैं प्रूव करके बता दूंगा, ठीक है। अब आपको सेकेंड पार्ट क्वेश्चन पूछा है, सेकेंड पार्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, एक्सप्लेन मिस्टर दिस कंपनी विल बी अवेलेबल टू द मेंटेन द पोजीशन रिगार्डिंग ऑफ द प्राइस ऑफ द शेयर। ये क्या कहना चाहता है कि चाहे प्राइस 780 हो जाए और चाहे प्राइस 480 हो जाए, आपको सेम कैश की पोजीशन एक्सपायरेशन पे कैसे मेंटेन करेगा राइटर वो बताना है। चाहे प्राइस 780 क्यों नहीं हो जाए, चाहे 480 क्यों नहीं हो जाए, दोनों पे सेम कैश का पोजीशन हो जाएगा राइटर को एट एक्सपायरेशन। इसके लिए आपको दो स्टेप करना पड़ेगा, सेकेंड पार्ट का आंसर। मैंने कहा कि राइटर को इतना शेयर खरीदना पड़ेगा, तो राइटर को आपको आज उतना शेयर खरीदने के लिए पैसा कहाँ से चाहिए, तो कुछ पैसा बैंक से लेगा और कुछ उसको प्रीमियम मिलेगा। तो उसी के पॉइंट पर से हम एक इक्वेशन बनाएंगे, कैलकुलेशन ऑफ कैश पोजीशन ऑफ राइटर एट एक्सपायरेशन, कैलकुलेशन ऑफ
सेकंड पार्ट का आंसर लिखेगा। कैलकुलेशन ऑफ कैश रिक्वायर्ड, कैश रिक्वायर्ड टू राइटर फॉर बाइंग 0.5 स्टॉक एट टूडे एट अ स्पॉट। तो कितना पैसा चाहिए भाई 0.5 शेयर परचेज करने के लिए? 0.5 करंट में अभी की प्राइस पे, तो अभी की प्राइस कितना है 600 है, इंटू 600 दिस इज रुपीज 300। तो ये रुपीज 300 कहां से आएगा? तो ये रुपीज 300 राइटर बैंक से बोरो करेगा, बैंक बोरोइंग प्लस कैश प्रीमियम रिसीव करेगा, प्रीमियम रिसीव इक्वल टू रुपीज 300 दैट इक्वल टू दिस बैंक बोरोइंग प्लस प्रीमियम रिसीव रुपीज 300। ये आपका सेकेंड। अब आपको एक सेकेंड स्टेप क्या होता है, कैश पोजीशन ऑफ राइटर जो आपका सेकेंड में पूछा हुआ है, कैश पोजीशन ऑफ राइटर एट एक्सपायरेशन, कैलकुलेशन ऑफ कैश पोजीशन ऑफ राइटर एट एक्सपायरेशन, एट एक्सपायरेशन व्हाट इज योर कैश पोजीशन एट एक्सपायरेशन? तो एट एक्सपायरेशन देर आर टू प्राइसेस, एट एक्सपायरेशन एक्सपायरेशन देर आर टू प्राइसेस, मार्केट प्राइस रुपीज 780, मार्केट प्राइस रुपीज 480, एक्सरसाइज प्राइस रुपीज 630, ऑप्शन विल लैप्स हियर, ऑप्शन इज एक्सरसाइज्ड, ऑप्शन लैप्स, लॉस ऑफ राइटर हाउ मच अमाउंट लॉस ऑफ राइटर दिस इज 150 विल बी द लॉस ऑफ राइटर। व्हाई? बिकॉज आपको किस क्यों लॉस होगा? क्योंकि 780 प्राइस होने के बावजूद भी राइटर की ऑब्लिगेशन है 630 में बेचने का, क्योंकि 780 प्राइस होने के बावजूद भी राइटर की ऑब्लिगेशन है 630 में बेचने का, 780 प्राइस होने के बावजूद भी राइटर के पास ये ऑब्लिगेशन है कि 630 में बेचेगा, इसीलिए राइटर को लॉस हुआ। तो राइटर को जो लॉस हुआ 150, लेकिन राइटर ने 0.5 शेयर परचेज किया है, 0.5 शेयर परचेज किया तो 0.5 शेयर को भी तो इसी रेट में बेचेगा। तो कैश पोजीशन कितना होगा आपके पास? कैश पोजीशन इस केस में रुपीज 780 में उन्होंने 0.5 शेयर बेचेगा लेकिन 150 रुपये की लॉस हो जाएगी। तो 780 इंटू 0.5 माइनस 150, यहाँ पे उनके पास 240 रुपया हो जाएगा। यहाँ पे राइटर को कोई भी लॉस नहीं होगा, यहाँ पे राइटर को कोई भी, क्योंकि एक्सरसाइज प्राइस 630 है और मार्केट प्राइस 480 है तो कॉल ऑप्शन लैप्स हो जाएगा। एक्सरसाइज प्राइस 630 है और मार्केट प्राइस 480 है तो कॉल ऑप्शन लैप्स हो जाएगा। तो आपको राइटर को इस प्राइस पे बेचना पड़ेगा शेयर। तो कैश पोजीशन ऑफ राइटर रुपीज 480 में आपको 0.5 स्टॉक सेल करेगा तो ये हो जाएगा 240। तो यहाँ पे भी 240, यहाँ पे भी 240, यहाँ पे भी 240 हो जाएगा। ये वाली पॉइंट दोनों क्लियर है? 240 दोनों में आ गया। अब आपको क्या है,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यही क्वेश्चन पूछा गया था आपको कि भाई उनके पास जो भी मार्केट प्राइस एक्सरसाइज एक्सपायरेशन पे हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्या पोजीशन होगा, कैसे, वो चीज़ें मैंने समझाया। उन्होंने कहा द वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन बिगिनिंग ऑफ द पीरियड। अब सुनिए, राइटर 100% श्योर है कि चाहे मार्केट प्राइस 780 क्यों नहीं हो जाए, चाहे मार्केट प्राइस 440 क्यों नहीं हो जाए, मुझे तो भाई पैसा आज इतना मिलेगा ही मिलेगा, 240 रुपये मिलेगा ही मिलेगा। तो राइटर आज बैंक से पैसा बोरो करना चाहता है, बैंक से बोरो करना चाहता है, तो फॉर फेयर पॉइंट ऑफ व्यू, नो लॉस नो गेन के पॉइंट ऑफ व्यू से कितनी पैसा बैंक से बोरो करेगा, 240 का प्रजेंट वैल्यू, प्रजेंट वैल्यू, तो प्रजेंट वैल्यू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है, 10% है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 10% है, तो उसकी प्रजेंट वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो बैंक बोरोइंग निकालेंगे हम, तीसरे पार्ट का आंसर कैलकुलेशन ऑफ बैंक बोरोइंग। ऑफ राइटर तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश पोजीशन ऑफ राइटर एट एक्सपायरेशन, एट एक्सपायरेशन, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बैंक बोरिंग एट एक्सपायरेशन 240 e to the power 0.10, this is a 3 month by 12, rupees 240 e to the power 0.025, rupees 240 e to the power 1.0253, this is 234. Now from equation first, first bank borrowing plus call premium that is rupees 300. What is the first equation? This is equation rupees 300. This is the equation first. अब यही कॉल पोजिशन आपको निकालना है, यही कॉल पोजिशन आपको प्रीमियम निकालनी है, जो फेयर कॉल प्रीमियम होता है, जिसपे नो आर्बिट्रेज होता है। तो बैंक बोरिंग हमारे पास कितना था, 234 था, प्लस कॉल प्रीमियम था यहाँ पे ₹300, कॉल प्रीमियम ₹66 से आंसर हो गया था। लास्ट में क्वेश्चन क्या पूछा है, लास्ट में क्वेश्चन पूछा है आपसे कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन कॉल, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन कॉल। आंसर ऑफ फोर्थ पार्ट कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन कॉल, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन कॉल। तो क्या होगा यहाँ पे, मार्केट प्राइस एक्सरसाइज प्राइस एक्शन ग्रॉस गेन, दिस द प्रोबेबिलिटी, दिस योर एक्स आई, दिस योर पी आई
पी आई एक्स है, 780, 480, 630, 630, 0, दिस इज 150, 0.60, 0.40, 0.40, 90, 0, एक्सपेक्टेड गेन ऑफ इन्वेस्टर ₹90, दिस विल बी द आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन हम कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू, थैंक यू।